इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाना है मोहाली के पीसीए स्टेडियम में। 3 मैचों की ओडीआई सीरीज है, लेकिन भारतीय टीम ने अनाउंसमेंट किया है 2 मैचेस की टीमों के लिए। और मैं जरा एक बार स्टेडियम की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप स्टेडियम की यहाँ पे आप तस्वीर में आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं स्टेडियम मेरे पीछे, पूरा स्टेडियम देख सकते हैं आप, मोहाली का पीसीए स्टेडियम है। इसमें ही भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा, पहला मैच ओडीआई सीरीज का। इस सीरीज के लिए विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, तमाम जो खिलाड़ी हैं उनको रेस्ट दिया गया है। सवाल ये भी उठे थे कि वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों को रेस्ट क्यों दे रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, रोहित शर्मा ने कहा था कि खिलाड़ियों के लिए मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उन्होंने कहा कि सिर्फ फिजिकल थकान नहीं होती, मेंटली भी खिलाड़ी थक जाता है, और वर्ल्ड कप में फ्रेश तौर पे खिलाड़ी जाए इसलिए बहुत जरूरी है कि खिलाड़ियों को रेस्ट दिया जाए। तो विराट और रोहित जैसे बड़े खिलाड़ी रेस्ट में, केएल राहुल जो है कप्तानी करते हुए नजर आएंगे पीसीए स्टेडियम में, और उनके साथ साथ जो जिम्मेदारी होगी ओपनिंग की अगर देखी जाए तो देखिए शुभमन गिल हैं, ईशान किशन हैं, इस टीम में ऋतुराज गायकवाड़ और वॉशिंगटन सुंदर को भी सिलेक्ट किया गया। अब मैं इन दोनों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों एशियन गेम्स के लिए जो टीम सिलेक्ट हुई है उसमें भी हैं। सूर्य कुमार यादव भी टीम का हिस्सा है, जिनकी वनडे में परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं है और जो स्क्रूटनी के दायरे में आ गए, स्क्रूटनी के घेरे में आ गए। तिलक वर्मा को भी शामिल किया गया जिन्होंने एशिया कप में डेब्यू किया था, उनको देखते हैं चांस देते हैं नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टीम में रविचंद्रन अश्विन भी शामिल है और वॉशिंगटन सुंदर भी शामिल है, यानी कि 2 ऑफ स्पिनर शामिल है जो अब तक की टीम इंडिया से नजारत नजर आ रहे थे। तो अब वॉशिंगटन सुंदर भी हैं जिनको एशिया कप के फाइनल मुकाबले के लिए लाया गया था, और आपके पास रविचंद्रन अश्विन भी हैं सीनियर गेंदबाज। तो इसमें से किसको खिलाया जाए, मेरी ओपिनियन और मेरा सेंस ये कहता है कि अगर आप अश्विन जैसे सीनियर खिलाड़ी को आप लाए हैं स्क्वाड के अंदर, शायद अश्विन का मौका बनता है, शायद अश्विन को चांस भी दिया जाएगा। तो फर्स्ट मैच है गाइस, और इंडिया का जो कॉम्बिनेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय क्रिकेट टीम को एक्चुअल वर्ल्ड कप की भी प्रिपरेशन करनी है, बुमराह भी हैं आपके पास, शमी भी हैं आपके पास, उनको यहां पे आजमाया जाएगा, शार्दुल ठाकुर भी क्योंकि स्क्वाड में है, तो क्योंकि शार्दुल ठाकुर को एक ऑलराउंडर के तौर पर टीम इंडिया देखती है, उनको भी जो है टीम में शामिल किया गया और वो भी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। एज फार एज गाइज ऑस्ट्रेलिया आर कंसर्न, वो ये 3 मैचेस को प्रिपरेशन के तौर पे देख रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, और वो भी चाहते हैं कि उनके परमोटेशन बिल्कुल सही हो जाए। सबसे बड़ी चीज़ है कि अडेप्टेबिलिटी हो जाए इंडिया की कंडीशंस में, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस कंडीशंस में उनकी अडेप्टेबिलिटी हो जाए, जो कंडीशंस हैं उसमें वो एक्मलेटाइज कर जाएं, अपने आप को उसमें ढाल लें कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया को भी ध्यान में रखनी है। खैर दोस्तों, मेरे को लग रहा है कि मोहाली के जो पीसीएस पे मैदान होगा एक रन फीस्ट होगा, बल्लेबाजों की यहाँ बहुत मजे आने वाली है, दर्शकों के लिए और फील्डर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है, बट अदरवाइज यहाँ पे बड़ी मजा आएगी बल्लेबाजी देखने में। और देखते हैं किस खिलाड़ी के नाम रहता है पहले ही मैच में।